हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही आसान सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इतना अच्छा बुनाई डिज़ाइन है कि इसको ना बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इसे बनाने के लिए आपको फंदे 3 के मल्टीपल में कास्ट ऑन करने हैं, यानी कि 3 के गुने में, प्लस एक फंदा एज स्टिच का एक्स्ट्रा रखना है। यानी कि चाहे आप इसे एज स्टिच समझ लीजिए या फिर डिज़ाइन को सेट करने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में फंदे लीजिएगा, एक फंदा आप इसमें एक्स्ट्रा रखिएगा। टोटल 8 लाइंस का ये डिज़ाइन है, 8 रोज का ये डिज़ाइन है, ठीक है। 8 सलाइयाँ वही आपको बार बार दोहराती हुई जानी है। और इतना अच्छा है कि बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। और क्यूट तो इतना है कि अगर आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे तो बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो यहाँ देखिए, पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो है फ्रंट साइड से। देखिए पहले हमें क्या करना है, पहला फंदा जो है ऐसे मैं सीधा बनाऊंगी, स्लिप नहीं करूंगी क्योंकि ये फर्स्ट रो है। उसके बाद नेक्स्ट सभी फंदों को मैं एक एक करके सीधा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। यानी कि फर्स्ट रो हम पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से, देखिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने जो मेरा दूसरा चैनल है मेकअप वाला वो अभी तक विजिट नहीं किया, एक बार जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लो यार, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं जाता है, वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, काफ़ी अभी तो वैसे भी 1000 होने वाले हैं। आप लोगों से काफ़ी बार बोल चुके हैं, आप लोग बिल्कुल भी विजिट नहीं करते हैं। देखिए इस तरह से पूरी रो हमने सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड। तो देखिए, रॉन्ग साइड से हम क्या करेंगे, पहला फंदा इस तरह से स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट जो फंदा है हम उल्टा बनाएंगे, और उल्टा बनाते हुए सभी रो, पूरी रो को जो हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, जो मेरा दूसरा चैनल है मेकअप वाला, वहाँ पे मैं DIY, स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह से करते हैं ये भी बताती हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता है, आप लोग हाउसवाइफ हैं तो वहाँ पे सीख सकते हैं। प्लस अगर आपकी स्किन में कोई भी समस्या है, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, कुछ भी है, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इस तरह के सभी सॉल्यूशन, मतलब इन सभी परेशानियों के सॉल्यूशन जो है मेरे उस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपके मतलब का हो, तो एक बार देख लेना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए थर्ड रो पे आ गए, तो पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो ये जो रो है पूरी सीधी बनाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग की जो 4 सलाइयाँ है ना वो हम सीधी सीधी बनाएंगे इस तरह से। और गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है ना तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे कनेक्ट रहते हैं, बात करते हैं, तो अगर आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए। और हाँ, मेरे पास ना काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आती हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये फोर्थ रो है, इसको पहला फंदा स्लिप करके इसको पूरा उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो मैं कह रही थी कि मेरे पास काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो लोग इंस्टा या फेसबुक नहीं चलाते हैं ना, तो व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो कैसे कांटेक्ट करें। आप लोग, मैम, आप लोग नहीं चलाते हैं, लेकिन आपकी घर में फैमिली मेम्बर्स, जैसे आपके हस्बैंड होंगे, आपके भाई बंधु जो भी हों, आपके बच्चे होंगे, अगर आप थोड़े से एजड हैं, अगर बड़े हैं तो आपके बच्चे होंगे, तो सभी लोग आजकल इंस्टा चलाते हैं। तो किसी के भी आप इंस्टा अकाउंट से मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं पूरी हो रही है, जैसे कि एक मालती जोशी जी हैं मेरी एक सब्सक्राइबर, वो बोलती हैं उन्हें बहुत कुछ पूछना होता है, इतना कुछ पूछना होता है उन्हें कि मतलब मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ, इतने रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, कभी कभी घर पर जैसे नहीं होती हूँ, बाहर भी होती हूँ। तो आप एक बार जैसे अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे ना, तो वहाँ पर मैं आपको सारे सॉल्यूशन आपके दे दूँगी, है ना। आप किसी के भी अकाउंट से कर दीजिए, अपने हस्बैंड के से, बच्चों के से, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी इंस्टा अकाउंट से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब आ गए हम अपनी फिफ्थ रो पे। तो फिफ्थ रो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा देखिए स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट फंदा है ना, जस्ट इसके बगल से यहाँ से एक लूप निकालेंगे इस तरह से, देखो लूप को थोड़ा ढीला कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे फंदा बढ़ा देंगे, ठीक है, एक बड़ा ऐसे फंदा डालिए। अब ये वाला फंदा और ये, इन दोनों को दो का एक कर देंगे, देखो ऐसे बैक लूप से, ये देखिए। अब देखो धागा आगे लाएंगे, एक फंदा बनाएंगे उल्टा। अब ये जो हमने बनाया ना, बस यही करते रहेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर देखिए यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे इस तरह से, फिफ्थ रो है हमारी, इस तरह से धागा लपेटेंगे दो और यहाँ पे दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए यहाँ से एक लूप ले लेंगे इस तरह से,
ऐसे धागा लपेटेंगे, दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ से देखिए एक लूप ले लेंगे इस तरह से, धागा लपेटेंगे दो का एक कर देंगे, ठीक है। फिर हाँ, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए यहाँ से एक लूप निकालेंगे इस तरह से, धागा लपेटेंगे ऐसे और यहाँ दो से एक बनाएंगे। अब एज स्टिच को हम ऐसे सिंपली सीधा बना लेंगे क्योंकि हम सीधी तरफ है ना, इसलिए देखिए फाइव रो जो फिफ्थ रो हमने बना ली है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिक्स रो पे आ गए, तो पहला फंदा देखिए क्या करेंगे, स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट ये फंदा उल्टा बनाएंगे वन, एक फंदा और उल्टा बनाएंगे टू। अब देखिए ये वो फंदा है जो हमने लूप निकाला था, ठीक है, ये लूप वाला फंदा है, तो लूप वाले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे। अब इधर से जो फंदा हमने उल्टा बनाया था ना, उसे यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, यही रिपीटेशन रखेंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वन टू, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वन टू, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वन टू, एक फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वन टू, ठीक है, एक फंदा स्लिप, और ये एज स्टिच है ना मल्टी साइड से, तो इसको हम उल्टा बना लेंगे। देखिए हमने कितनी लाइंस बना ली, छह। अब आ गए हम अपनी सेवेंथ रो पे, सेवेंथ रो देखिएगा, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये जो फंदा है जो हमने पिछली रो में स्लिप किया था, इसे यहाँ भी हम स्लिप करेंगे। इसके बाद दो फंदे हम बना लेंगे, सॉरी धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे वन टू। अब देखिए जो स्लिप किया हुआ फंदा है ना, ये इन दोनों के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब एक फंदा बना लेंगे उल्टा, अब ले जाएंगे धागा पीछे। हमेशा ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है ना, इसको स्लिप करने के लिए धागा हमेशा पीछे होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरह से स्लिप करेंगे ना, तो ये धागा इस तरह से आ जाएगा ऐसे, तो वो नहीं चाहिए हमें ना, डिज़ाइन को ख़राब कर देगा। धागा पीछे लेके इसको स्लिप करेंगे, तब धागा आगे लाएंगे। तो देखिए दो फंदे उल्टे वन टू। अब ये जो ड्रॉप किया हुआ वो लूप किया लूप वाला फंदा है ना, स्लिप वाला, इसे ड्रॉप कर देंगे। अब एक फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरह से, धागा पीछे, अब देखो धागा पीछे ले जाके स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वन। देखिए अगर मैं ना, मतलब मैं साथ साथ बोलती जाती हूँ है ना, जैसे कि जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी बता रहे हो, वैसे तो मुझे लगता है कि मैं इतना जल्दी नहीं बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्लो स्लो बता रहे हो है ना, वीडियो में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए ना मैं नॉर्मल स्पीड से बताती हूँ। बहुत पहले जहाँ मुझे लगता है कि मुझे स्लो स्लो बताना है ना, वहाँ मैं स्लो बता लेती हूँ, और जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ, तो इसलिए मैं साथ ही साथ बोलती जाती हूँ, जिससे कि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आप, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो अपने फ़ोन की सेटिंग, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं उसकी सेटिंग में जाके वीडियो को स्लो करके देख लिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.25 की या 1.50 की स्पीड पे देखा कीजिए, धागा पीछे, अब देखिए इसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ वन टू, इसको देखो ड्रॉप कर देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे वन टू। अब ये जो स्लिप वाला फंदा है इसे ड्रॉप कर देंगे इस तरह से, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे, धागा पीछे ले जाके, देखिए डिज़ाइन दिखाई देने लग गया अच्छा सा प्यारा सा, आप देखो इस तरह से दिखेगा। अब हम आ गए अपनी एट्थ रो पे, ठीक है। तो गाइज ये ना आठ सिलाइयों का ही डिज़ाइन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को एक एक करके उल्टा बना लेंगे, देखिए। और फ्रेंड्स आप ना इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, स्काफ में, मफलर में, कहीं भी डालिए, डिज़ाइन ना बहुत प्यारा बन के आता है। कार्डिगन में डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करना, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, या फिर मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, आपने बनाया है या नहीं। तो देखिए डिज़ाइन ना आठ सिलाइयों का डिज़ाइन है। जब आप नेक्स्ट, जैसे ये जो चार सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई है ना, नेक्स्ट अब फिर से हम एक से चार तक चार सिलाइयाँ सीधी सीधी उल्टी सीधी उल्टी बनाएंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन डलेगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इसे मैंने ज़्यादा फंदों पे थोड़ा सा दो लाइंस और बनाई हैं,
तो वहां मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस तरह से आप ये देखिए, जैसे ये जो डिजाइन्स बनेंगी इनके बीच में ना ये 4 सलाइयों का गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तभी ये डिजाइन जो है खुल के और निखर के आता है, बहुत अच्छा क्लियर दिखाई देता है। तो ये 4 सलाइयाँ सीधी उल्टी बनाने के बाद ये 4 सलाइयाँ डिजाइन की डालिएगा, तो ये डिजाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत बन के आएगा। आप ना इसमें बीच में 2 सलाई भी का भी गैप कर सकते हैं, ज्यादा का भी गैप कर सकते हैं ना, तो वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीछे से देखिए ऐसा लगता है, बेल बटन प्रेस कर देना, जो सब्सक्राइब के बगल में जो ऑल पे बेल बटन घंटी जैसा आइकन है ना उसे ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।